हाँ जी, तो इस सारी चर्चा के बाद फिर से एक बार उन्हीं प्रश्नों पर लौट आते हैं। हमने सुबह चर्चा किया था कि सामान से सम्मान, मैं सोचता हूँ शायद अब आंसर मिल जाए। इतनी सारी चर्चा हमने क्यों की कि आंसर आपके बीच से निकल के आ जाए। तो सामान से सम्मान और सुविधा से सुख, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अब शायद निकला है, या जैसा कि हमने पहले भी कहा कि महिलाओं से उम्र, पुरुषों से सैलरी, आखिर नहीं पूछने चाहिए, ये सभी मानते हैं। इसके मूल में रूट्स कहां पे है? ऐसी कोई यदि बात सभी के द्वारा फॉलो की जाती है, इसका मतलब कोई उसमें आधार है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इस सारी समस्याओं का रूट कॉज कहां पे है? तो अभी लौट आइए पहले पे, मुख्य बात हम कर रहे हैं कि सामान से सम्मान और सुविधा से सुख, ऐसा हम क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि यदि हमें सम्मान चाहिए तो हमें यही नहीं पता कि सम्मान क्या है, और सुख चाहिए तो यही नहीं पता कि सुख क्या। हम सुख का अर्थ ही गलत दूसरा मान के चल रहे हैं, और सम्मान का भी अर्थ दूसरा ही मान के चल रहे हैं। ये पता नहीं है तो कम से कम ये पता हो कि ये पता नहीं है, हम ऐसा कहाँ कर रहे हैं? हम तो सामान से सम्मान मिलेगा ऐसा मान के जी रहे। हाँ। तो ऐसा क्यों मान के जी रहे? सर, हम सम्मान को समान से भरने के लिए इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि हम अपनी मानसिक गरीबी में वस्तु से ढकने की कोशिश करते हैं। वही तो पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि हमें स्वयं में विश्वास की कमी है। हमें यही नहीं पता कि असली सुख क्या है, इसलिए हम क्षणिक सुख को ही समझते हैं कि सुख है। उसी क्षणिक सुख के पीछे हम भागते हैं। हमें हमारा इन चीजों से अपना क्षणिक सुख तो प्राप्त हो जाता है। हमें जब यही नहीं पता कि असली सुख क्या है तो हम क्षणिक सुख में खुश हो जाते हैं। ठीक, तो एक तो रीजन ये निकल के आया कि असली सुख पता नहीं है, है ना? कि समाधान से सुख होता है, समाधान से सुख होता है, ये हमको पता नहीं। लेकिन सुविधा से सुख होता है, तो सुविधा से सुख मिलता है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है, ऐसा नेचुरल है। तो यदि सारी जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं सबका एक ही आंसर है क्या, ब्रह्मवश स्वयं को शरीर मानकर ब्रह्मवश हम अपने आप को मानव के रूप में पहचानते हैं कि शरीर के रूप में पहचानते हैं? मानव नहीं पहचानते, शरीर ही पहचानते हैं। मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, जवान हूं, गोरा हूं, काला हूं, बूढ़ा हूं, है ना? तो मैं अपने आप को शरीर के रूप में ही पहचानता हूं, और शरीर में क्षणिक सुख प्रकृति की व्यवस्था है ताकि शरीर बना रहे, और उसी से हम सुख को पाने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मवश स्वयं को शरीर मान के जीना, शरीर मान के जीना होगा तो क्या होगा? ना सामान से सम्मान ही होगा, सुविधा से सुख ही होगा। और यदि सुविधा से सुख चाहिए तो सुविधा कितना चाहिए? निरंतर। सामान से सम्मान चाहिए तो सामान कितना चाहिए? निरंतर। इसको पाने के लिए क्या करना होगा? सबका शोषण करते रहना पड़ेगा। तो प्रकृति का शोषण किया तो ग्लोबल वार्मिंग, आदमी का शोषण करने के लिए भ्रष्टाचार, मिलावट, फैमिली वार्मिंग, है ना, जो भी सारा है। तो ये समझ में आया कि धरती की सारी प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है वो इतना ही है कि भ्रमवश अपने आप को शरीर मानकर जीना, और सारा सॉल्यूशन कितना है? मानव के रूप में पहचान है। मानव के रूप में पहचाना तो क्या पहचाना? जीवन है, शरीर को चलाता है, शरीर का आवश्यकता अलग है, जीवन का आवश्यकता अलग है, दोनों को पूरा करने का तरीका अलग है, एक से दूसरे का आवश्यकता पूरा नहीं हो रहा है, दूसरे से पहले का आवश्यकता पूरा नहीं हो रहा है। इतनी कुल कहानी फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से एक बार पूरा कैनवस फिर से, है ना? पिछले 5 दिन में हमने कितनी बात की है? कितनी बात की है? 5 ही लाइन बात किया है, केवल 5 लाइन। क्या बात की है? धरती पे 4 अवस्थाएं,
मानव के अलावा सबका आचरण निश्चित है। मानव का आचरण निश्चित स्वयं में विश्वास पूर्वक होता है। स्वयं में विश्वास पूर्वक जीने के लिए क्यों जीना है, कैसे जीना, क्यों जीना है? सुख की निरंतरता। सुख क्या है? समाधान से सुख। समाधान क्या है? जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना। समझने का कुल सिलेबस कितना? सुखी होने का कुल सिलेबस कितना? मानव, परिवार, समाज, प्रकृति। तो हमने शुरू किया कि मानव में व्यवस्था को समझना, मानव के बारे समाधान क्या है। तो मानव जैसा है वैसा समझना। क्या समझ में आया? केवल शरीर नहीं, जीवन है जो स्त्री या पुरुष शरीर को चलाता है। पुरुष माँ बाप से माँ के गर्भ में बनता है। जीवन प्रकृति सहज विधि से होता है। जीवन शरीर को चलाता है। जीवन की आवश्यकता समाधान है, शरीर की आवश्यकता सुविधा है। समाधान से सुविधा पैदा नहीं होता। मैं समझदार हो गया अब रोटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सुविधा से समाधान पैदा नहीं होता। अरबों रुपया हो गया इसलिए भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता नहीं रहेगी, ऐसा नहीं हुआ। तो सुविधा से समाधान नहीं मतलब सुख नहीं, सुख से सुविधा नहीं, ठीक। दोनों की आवश्यकता अलग है, दोनों को पूरा करने का तरीका अलग है। शरीर की आवश्यकता कैसी है? सीमित है, निश्चित है, इसलिए पूरा हो ही सकता है। तो यहां से हम एक नया अर्थशास्त्र लिख दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। और जितनी चर्चा अभी तक हुई है उसमें यदि आप पीछे घूम के देखें तो मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? अभी तक क्या बोल रहे थे? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान किसकी आवश्यकता है? शरीर की। हम क्यों बोल रहे हैं कि रोटी, कपड़ा मानव की मूलभूत आवश्यकता है? क्योंकि हम अपने को शरीर मान के ही जी रहे हैं, है ना। जब हम स्वयं को शरीर मान के जी रहे हैं तो यहाँ से लेके न्यूयॉर्क तक धरती के अधिकांश लोग शरीर की आवश्यकता पूरी करने को ही मानव की आवश्यकता पूरी करना मान के जी रहे। पकड़ में आ गया? इस पे भरोसा हो जाएगा तो पैर रखने के लिए जगह मिलेगी, नहीं तो कुछ अच्छी बातें थी पर समाज तो ऐसे चलता है, अपन घूम फिर के गोल गोल करके वही पहुंचे। तो मैंने थोड़ा ज्यादा समय लगाने की कोशिश की, ज्यादा इसमें रुकने की कोशिश की ताकि कुछ चीजें आप तक ठीक से पहुंच जाए। तो अब हम देख सकते हैं अर्थशास्त्र क्या, अभी तक क्या लिख रहे थे? आवश्यकता, आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। एक, आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, तो क्या किसी की आवश्यकता पूरी होगी? लगता ही नहीं आवश्यकता कभी पूरी होगी। यदि किसी की आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो वो असुरक्षा के भाव में जिएगा या अपने में बिल्कुल सिक्योर होकर जिएगा, विश्वास के साथ जिएगा? असुरक्षा के भाव में जिएगा, इनसिक्योरिटी में जिएगा। जब भी व्यक्ति असुरक्षित होता है कैसा महसूस करता है? असुरक्षा से भयभीत होता है। जब भी हम भयभीत होते हैं हम संग्रह करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। कैसे? कैसे? तो पर्सनल एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे अपने पास वाला रख लेना, गार्ड रख लेना, बॉडीगार्ड रख लेना, बैंगल। जैसे ही यदि हमको पता चले कि कल पेट्रोल नहीं मिलेगा, अखबार में आज आए को झूठी खबर छपवा दे कल पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्या होने वाला है? सब कोई भयभीत होंगे, पेट्रोल पंप पे जाके सब कोई पेट्रोल इकट्ठा कर ले और फिर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, मारपीट भी होगी। तो जैसे ही संग्रह करना है, संग्रह करने के लिए शोषण करना
हमारी जरूरत बन जाता है। जिसका शोषण होगा वो विरोध करेगा और विरोध से युद्ध और संघर्ष और इससे असुरक्षा और बढ़ेगा। तो जो अभी अर्थशास्त्र हमको पढ़ा रहे हैं वो कैसा अर्थशास्त्र है? इस अर्थशास्त्र से मानव सुखी होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा। और हम सुखी होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं? तो अर्थशास्त्र को पढ़ाने वाला टीचर सुखी होने के लिए पढ़ाता है कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। पढ़ने वाले सुखी होने के लिए पढ़ते हैं कि दुखी होने के लिए? क्या पढ़ाता है? तुम्हारा दुखी रहना निश्चित है। यदि व्यक्ति दुखी होगा इससे अव्यवस्था होगी, तो यह अर्थशास्त्र कैसा हमको क्या दे रहा है इसको क्या बोलेंगे? यह अर्थशास्त्र कैसा है इसलिए इसको नाम दिया अनर्थशास्त्र, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र। लाभोन्मादी मीन्स उन्माद, समझते हैं? उन्माद, उन्माद मीन्स पागलपन, मैडनेस। लाभ के लिए पागलपन, इसका प्रैक्टिकल अपने को कैसे दिखाई देता है? बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? बाप बड़ा ना भैया, कितना एक स्वर है, एकदम एक स्वर से आता है। ठीक, तो ये हमको कहां से मिल रहा है? ये सारी चीजें हमको कहां से मिल रही हैं ना? ये हमको एजुकेशन से मिल रहा है। अब देखें सही अर्थशास्त्र क्या होगा। सही अर्थशास्त्र कैसा होगा? कैसा होगा? अब यदि अर्थशास्त्र बात करेगा, किसकी बात करेगा? फिजिकल चीजों की बात करेगा, है ना? तो एक हमको ये समझ में आया कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं कैसी हैं? भौतिक मतलब शरीर के लिए। मानव की भौतिक आवश्यकता कैसी है? निश्चित है ना? शरीर का आकार सीमित है, आयतन सीमित है, आयु सीमित है, कंजम्पशन सीमित है, इसलिए शरीर की भौतिक आवश्यकता निश्चित है, इस अर्थ में सीमित है। सीमित करना है या सीमित है ही? तो ये बहुत क्लियर रहे कि पहले से कुछ भिन्न कहा जा रहा है ना। देखिए हमने आत्मा परमात्मा से बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की, अच्छी बातें कहने की कोशिश की कि मानव को न्यूनतम आवश्यकताओं में जीना चाहिए, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अध्ययन नहीं कर पाए, इसलिए उपदेश विधि से बहुत कुछ अच्छी बातें कही। यदि मेरी चेतना का स्तर, मेरी समझ उन बातों के अनुकूल नहीं पड़ता है तो मैं उपदेश पूर्वक ऐसा जी नहीं पाता। न्यूनतम आवश्यकताओं में जीना चाहिए, जिएंगे नहीं? अब तो ऐसा लगता है कि अधिकतम चाहिए, क्योंकि अधिकतम आवश्यकताएं केवल शरीर के लिए नहीं चाहिए, मेरी पहचान के लिए भी चाहिए। एक बार आदमी आवश्यकता के लिए थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन पहचान वाले भाग में, यदि वस्तु से पहचान है, यदि सामान से पहचान है, तो आवश्यकता बहुत अधिक हो जाती है। तब ये समझ में आया कि पहचान वाला भाग किधर शिफ्ट हो गया। अब पहचान कैसे होगी? मेरी पहचान का आधार क्या होगा? समझ। समझ से पहचान कैसे होगी? बराबर पहचान, है ना? तो समझ से मेरी पहचान इस रूप में हो गई कि मैं पहचानता हूं कि मैं क्या हूं, ठीक है? और मैं दूसरों के सुखी होने में से समाधान से मैं सुखी होता हूं, और मैं आपके सुखी होने के लिए स्रोत हो जाता हूं। ये मेरी पहचान का आधार है। मैं आपके अपने में पहचान क्या है? कि मैं ठीक ठीक समझता हूं, स्वयं में विश्वास, समाधान से मैं सुखी होता हूं, इसलिए सुविधा पे सुखी होने की निर्भरता खत्म, इसलिए सामान से सम्मानित होने की आवश्यकता खत्म। और मेरे वातावरण में मेरे सम्मान का आधार क्या होगा? मेरी उपयोगिता, ठीक?
तो मैं अपनी आवश्यकता पहचानता हूं, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता हूं, फसके से जीता हूं, तो ये अब मेरी पहचान का आधार शिफ्ट हो गया ना। तो मानव की भौतिक आवश्यकताएं सीमित हैं और साधन कैसा है, असीमित नहीं है, पर्याप्त है। तो कैसा शिफ्ट हो गया, पहले कह रहे थे कि आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, अब क्या बोल रहे, आवश्यकता सीमित है, साधन पर्याप्त है। बढ़िया, यदि आवश्यकता सीमित है, साधन पर्याप्त है, और यह भी समझ में आता है कि हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है, हर मानव में ऐसा है, जो भी लिखा जा रहा है उसको आप जांचें स्वयं में, उसको स्वनिरीक्षण करें कि ऐसा संभव है कि नहीं संभव है। हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। एक आदमी जितना धान उत्पादन करता है सारे वो खुद खा लेगा, है ना? आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की क्षमता है, इसलिए हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। कैसे पॉसिबल हो गया? मैं मानव का अध्ययन किया तो पता चला कि शरीर अलग है, जीवन अलग है, और भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है, इसलिए उसकी आवश्यकता निश्चित है। प्रकृति में जो उपलब्धता है वो पर्याप्त है। हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की क्षमता है, इसलिए हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। इसमें कोई कमी? लेकिन मानव की एक आवश्यकता और है, मानव की मूल्यात्मक आवश्यकता। मूल्यात्मक मतलब सुख की आवश्यकता। मानव की मूल्यात्मक आवश्यकता निरंतर है, असीम है। मानव की मूल्यात्मक आवश्यकता असीम है, विश्वास, सम्मान, समझ पूरा चाहिए। और ये कैसे मिलता है, सुख कैसे मिलता है? ठीक, और ये कैसे मिलता है? समाधान से। समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। पर यह भी समझ में आया कि हर मानव में समझने की क्षमता असीम है। तो असीम आवश्यकता के लिए असीम क्षमता उपलब्ध है, सीमित आवश्यकता के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है। तो हर मानव में समझने की क्षमता उपलब्ध है, इसलिए हर मानव निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है। अपने में आप देख पा रहे ऐसा है, ऐसा संभव है कि नहीं? हर मानव में सुख की आवश्यकता निरंतर है, असीम है, समाधान से सुखी होता है, समझने की क्षमता हर मानव में असीम है,
इसलिए हर मानव सुख पूर्वक जी सकता है। तो सफलता क्या हुआ, सफलता क्या हुआ, मानव में समझदार हो जाना मानव की सफलता है, क्योंकि तो यही सारी सफलताओं की उपलब्धियों की मास्टर चाबी है ना? बाकी दुनिया की सारी चीजें ऐसी चाबी से खुलेंगी, आपका सम्मान, भौतिक आवश्यकता। तो मानव में समाधान उपलब्ध हो जाए, हम समझदार हो जाएं, परिवार में समाधान, सभी लोग समझदार हों और परिवार में समृद्धि हो जाए, ये परिवार की सफलता है। तो मानव में क्या समाधान होगा, मानव तो जैसे हमें वैसी रहेगा, मानव के जीवन में समाधान होगा ना, मानव में होगा। वो जो जीवन समझता है तो शरीर सहित ही समझता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि जीवन में ही समझ होता है, जीवन में ही भ्रम होता है, लेकिन जब हम समझने का काम करते हैं तो मानव सहित ही करते हैं, तो समझने की बात मानव में ही होती, हम मानव के बारे ही बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए कि शरीर नहीं समझता है, समझने के लिए शरीर माध्यम है। अभी आप सुन रहे हो तो कैसे सुन पा रहे हो, शरीर से, मैं बोल पा रहा हूं तो कैसे, शरीर से। और जो भी सुन लिया, सुनना समझना नहीं होता है, आप इसको अपने भीतर और सोचते हो, इस पे और काम करते हो, कोई पॉइंट पे इसके लिए स्वीकृति बनती है, ऐसा जीते हो, है ना, जो हमने समझा है वो जीने से मैच कर जाता है, तो ये हुआ उपलब्धि कि हाँ ये समझा है। तो शरीर सही थी समझते, इसलिए मानव रूप में ही सारी बात करेंगे। तो मानव में सफलता क्या है, समझदार होना। परिवार के रूप में सफलता क्या है, सभी परिवार के लोग समझदार भी हो और समृद्ध भी हो, अभाव का अभाव। आगे हम समाज की बात, यदि सारे परिवार ऐसे होंगे तो समाज कैसा होगा, यदि परिवार समाधान और समृद्धि से भरा हुआ, परिवार के सभी लोग समझदार भी होंगे, वस्तु का अभाव नहीं होगा, तो ये परिवार किसी का शोषण करेगा, ठीक है, क्या करेगा, पोषण ही करेगा, जो नहीं समझे हुए होंगे उनके समझने में सहयोग देगा, जो अपने आर्थिक, तो ऐसा समाज कैसा होगा, समाज में सभी समाधान से होंगे, सभी परिवार समृद्ध होंगे, समाज कैसा होगा, अभय, भय से। अगर समाज सपोर्ट नहीं करेगा तो समाज को सपोर्ट तो नहीं करना, एक व्यक्ति समाज, हम मेरे को नॉलेज है पूरा, मैं अपने फ्रेंड को दिखा रहा हूँ, आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो क्या, बोल तो ये बिना सीखे ऐसा बोलते हैं, जब सीख समझ जाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है जैसा मैं कर रहा हूँ, तो सब आपसे पकड़ पकड़ के समझना ही चाहेंगे, ढूंढ ढूंढ के समझेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि मानव सुखी होना ही चाहता है, तो समाज कैसा होगा, भय मुक्त समाज होगा। और प्रकृति में, प्रकृति की चारों अवस्थाओं में क्या होगा, मानव में समाधान होगा, परिवारों में समृद्धि होगी, समाज में अभय होगा और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, हम संतुलन पूर्वक जिएंगे, चारों अवस्थाओं में संतुलन पूर्वक जिएंगे, ये सह अस्तित्व का प्रमाण होगा, ठीक, यही सफलता है। ऐसी सफलता सभी के लिए उपलब्ध है या कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध है, वर्तमान जीने के मॉडल में सफलता सभी के लिए उपलब्ध है या कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध है, कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध है। तो वर्तमान में जिसको हम व्यवस्था बोलते हैं वो अपने आप में अव्यवस्था है, क्योंकि हम सभी अपने आप को शरीर मानकर जीते हैं, है ना, सामान से सम्मान और सुविधा से सुख के लिए तलाश करते हैं। तो अशिक्षित भी समझदार है कि ना समझ है, वो भी ना समझ है, शिक्षित होके भी हम समझदार नहीं हुए, तो हम शिक्षित भी हों समझदार भी हों। चलिए, मैं सिर्फ अभी इतना एक पे कहना चाहता हूं कि जितना भी हमने समस्या का फैलाव देखा,
अब समाधान का फैलाव कुछ कुछ सामने आना शुरू हो गया है ना? तो हमको इतने से ये समझ में आता है कि चीजें कैसे हैंडल हो रही हैं और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मानव के बारे हमने कुछ बात की है, तो इतना पकड़ में आ गया कि मानव जीवन है जो किसी मेल या फीमेल शरीर को चलाता है। ठीक, इतनी बात पूरी हो गई। यदि ये अंतर हमको अब समझ में आने लगा है तो कुछ चीजों को हम बहुत स्पष्ट रूप से अब देख सकते हैं। जैसे एक दो लाइन में आपके सामने कह दूं ताकि आपका और ध्यान चला जाए और हम अपनी बहुत सारी मान्यताओं को फिर से जांचना शुरू कर सकें। जैसे हम बोलते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ये ठीक है? या जैसा रहे मन वैसा खाए अन्न? क्यों? मांसाहारी आदमी का व्यवहार हमेशा खराब मिलेगा ऐसा भी नहीं है, शाकाहारी का व्यवहार अच्छा मिलेगा ऐसा नहीं है, मसाले जिंदगी भर नहीं खाया तो क्रोध नहीं आएगा ऐसा भी नहीं है। ठीक, बिना नमक का सारी जिंदगी खाया और खूब क्रोधित रहते हैं ऐसे लोग भी आपको पर्याप्त मिल जाएंगे। तो ये समझ में आया कि जीवन और शरीर साथ साथ हैं। एक सही भोजन होने से शरीर मन की अनुकूलता बनी रहती है, लेकिन भोजन करने से हम समझदार हो गए ऐसा नहीं होता ना? मन ही तय करता है किस प्रकार का भोजन करना है। फिर एक हम काफी जोर शोर से बोल रहे हैं, क्या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है? ऐसा बोलते हैं? ऐसा होता है? स्कूलों में ये सब लिखा रहता है और वो क्या लिखा, क्या बोलते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसा होता है? तो ये सब चीजें, इन्हीं चीजों की इंपॉर्टेंस बताने के लिए हमने कुछ कहा है। सुबह उठना शरीर के लिए अच्छी चीज है ना? तो क्या समझ में आया, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है? स्वस्थ मन का मतलब है समझदार मानव, स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। समझदार होने के लिए स्वस्थ मन एक आवश्यकता है। आपके सर में दर्द होगा, कुछ और प्रॉब्लम होगी तो सुनने में समझने में परेशानी तो होगी, इसके बावजूद भी सुनने समझने का मन बन गया और शरीर बीमार भी है थोड़ा बहुत तो भी काम चलाया जा सकता है। ये समझ में आया कि मन के स्वस्थ रहने से शरीर का साथ क्या करना है सब समझ में आता है। यदि हम समझदार नहीं है और शरीर स्वस्थ है तो क्या करेंगे? तो ना समझ लोगों के शरीर का स्वस्थ रहना भी ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन सर मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम जो चाहे वो कर भी तो नहीं सकते। मन स्वस्थ है उसके बाद शरीर स्वस्थ होने ही लगता है, बहुत फर्क है। 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक बोल रहे हैं। हाँ, जैसे सिर दर्द है और कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है तो उसको भूल जाते हैं। भूल जाते हो आप सिर दर्द भी, भूल जाते हैं। तो ना समझ लोग थोड़ा बहुत बीमार रहे हैं चलेगा, ये उपद्रवी करेंगे, जरूरी नहीं बोलते, थोड़ा सा ऐसा नहीं बोल सकते, लोग लड़ देंगे है ना। फिर हम बोलते हैं जितनी चादर उतने पैर, जितनी चादर उतना पैर फैलाना चाहिए।
ऐसा बोलते हैं, ये ठीक है या जितने पैर उतनी चादर। कायनात ही पलट रही है अपने तो कायनात ही पलट रही है। है? देखिए प्रकृति में कोई गरीबी है क्या, तो हमको क्यों गरीबी से जीना है। तो ये समझ में आया कि हम मानव का अध्ययन नहीं कर सके, इसलिए हमको ये कहना पड़ा कि जितने न्यूनतम में जीना है, जितनी चादर है उतने पैर फैलाना है, ऐसा हमको कहना पड़ा। यदि हम मानव का अध्ययन कर पाए बाय एजुकेशन, तो सभी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि जीवन और शरीर दोनों की आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता सीमित है, मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की क्षमता है, इसलिए हम समृद्धि के भाव में अभाव से मुक्त होकर जिए। क्योंकि यदि अभाव की मानसिकता है, ये किसी समाधान की तरफ जाती नहीं। एक बढ़िया सा सूत्र है, अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। अभी अभी हम ब्रेक के बाद जीवन कैसा है ना, इस पे काम करेंगे। तो जीवन के रूप में यदि मानव में हम कहें, तो मानव में तीन चीजें हैं, पात्रता, योग्यता, क्षमता। देखिए एक तो बात ये बहुत स्पष्ट रूप में आई है कि जीवन रूप में सभी समान है। ये बात आप तक पहुंची, कैसे पहुंची? सबके जीवन की जरूरत एक समान है, सभी निरंतर सुखी होना चाहते हैं। उसके पास पूंजी क्या है? समझने की असीम क्षमता। कितना भी समझे, समझने की क्षमता खत्म नहीं होती, कितना भी विचार करें, विचार करने की क्षमता खत्म नहीं होती। तो इस रूप में जो मूल क्षमता है, समझने की जो मूल क्षमता है, विचार करने की जो क्षमता है, ये सभी मानव में अक्षय है, अनलिमिटेड है। ये समझ में आता है अभी? इसमें कोई शंका नहीं? बीमार है तब सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? सोचते हैं। सोते हुए भी सोचते हैं, जगते हुए भी सोचते हैं, बुढ़ापे में भी सोचते हैं। तो सोचने की क्रिया लगातार है, कुछ भी हो जाए ये क्रिया बंद नहीं होता है। तो ये सोचने की चीज मानव में अक्षय है, अनलिमिटेड है। तो सभी मानव में सोचने समझने की क्षमता असीम है, अक्षय है, और सभी मानव की मूल चाहत एक समान है, सुख की निरंतरता। इस रूप में जीवन रूप में सभी समान है। ये बात ठीक? इसके बावजूद हम सभी अलग अलग हैं, इसके बावजूद हम सभी अलग अलग हैं कि एक समान है? सुख की चाहत के रूप में समान है, मूल क्षमता के रूप में समान है, फिजिकली तो अलग अलग है ही है, जीवन रूप में भी अलग अलग। कैसे? योग्यता, पात्रता, क्षमता के रूप में अलग अलग। क्या मतलब? पात्रता का मतलब है ग्रहण क्षमता। पात्र होता है ना बर्तन, पात्र। सभी शिविर कर रहे, एक ही वातावरण है, एक ही टीचर है, क्या सभी एक समान ग्रहण कर रहे? किसी किसी का मन तीसरे दिन से लगना शुरू होता है, किसी किसी का चौथे दिन से लगना शुरू होता है, किसी का वेरी फर्स्ट मोमेंट से शुरू हो जाता है। सबकी अभिव्यक्ति, योग्यता का मतलब है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, और क्षमता का मतलब है वहन, ग्रहण क्रिया और वहन क्रिया। वहन मतलब जिम्मेदारी को वहन करना, निभाना, जीना, संबंधों में जीना। संबंधों में हम किस भाव के साथ जीते हैं,
जीने की बात है। तो क्षमता मतलब जीना, तो हम क्षमता पूर्वक जीते हैं, पात्रता पूर्वक समझते हैं। पात्रता पूर्वक समझना होता है, योग्यता पूर्वक समझाना होता है, और क्षमता पूर्वक संबंधों में जीना होता है। ये पात्रता का मतलब है। ठीक है, तो क्या हुआ, जितनी हमारी पात्रता है उतना हम, तो योग्यता पात्रता क्षमता के रूप में सभी मानव अलग अलग हैं, जीवन रूप में सभी मानव समान हैं। तो कोई एक चीज है जो सब में समान है, क्यों ये अलग अलग हो गया, क्यों ये अलग अलग हो गया? हर व्यक्ति ने अलग अलग जगह वातावरण में पैदा हुआ, उसने अलग अलग चीजों पर ध्यान दिया। जिसने जिधर ध्यान दिया है वो ज्यादा विकसित होने लगता है। तो शिविर के दौरान ही कुछ लोगों ने समझने पे ज्यादा ध्यान दिया, तो 7 दिन बाद उनका ध्यान देने से उनको फल अलग मिलता है। किसी ने कम ध्यान दिया उसको कम मिलता है। क्यों कम ध्यान दिया? उसको कम इंपॉर्टेंट लगता है। क्यों कम इंपॉर्टेंट लगता है? उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। तो कल्पनाशीलता, जैसी हमारी कल्पनाशीलता है, जैसी हमारी अभी तक की यात्रा है, उसके अनुसार हमारी कोई स्थिति बनी हुई रहती है। उस तरह से हम अलग अलग समझते हैं। एक आगे चलें, आगे चलिए। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे, है ना, ऐसी और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, है ना। जैसे अभी तक क्या कह रहे थे, मूल चाहत, हमारी मूल क्या थी, मूल आवश्यकताएं, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान। अब यदि मूलभूत की बात करेंगे तो मानव में मूलभूत कौन है? शरीर है कि जीवन है? जीवन। तो मूलभूत क्या हो जाएगा? समाधान हो जाए। यदि हम अपनी आवश्यकता को पहचानते हैं, हमको लगता है आवश्यकता कम है, तो कम आवश्यकता में ही जीना है कि आवश्यकता को पूरा कर लेना है? पूरा कर लेना है। तो जितने पैर हैं उतनी चादर होने की जरूरत है। रायपुर में तो मच्छर भी काफी हैं, थोड़ी बहुत बड़ी रहे। अब गेस्ट आ गया घर में, नहीं आ जा तू भी मेरी में सो जा, उसके लिए एक चादर अलग से भी रखना पड़ेगा। तो जितनी हमारी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप हमारे पास साधन हो, ऐसा ही जीने की, समृद्धि पूर्वक जीने की आवश्यकता है, गरीबी में जीने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने इसलिए खिड़की खोला ताकि जो हमने समझा है उसको हम अपनी रोजमर्रा की, जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारी मान्यताओं को आप जांच जांच के देखें, 4 बर्तन रहते हैं तो बरसते ही हैं, सब बोलते हैं, सुना है कि नहीं? कभी 4 बर्तनों को आपस में लड़ते हुए देखा है किचन में? कौन टकराता है, मानव टकराता है कि बर्तन टकराते हैं? मानव टकराता है। तो 4 बर्तनों में आवाज आती है कि मानव उनको आपस में टकराता है? मानव टकराता है। तो क्यों बर्तनों को गाली दे रहे? प्रॉब्लम तो आपका है, बात ध्यान दे रहे, है ना। इस तरह से बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आपका ध्यान जाएगा, आपका विचार दौड़ना शुरू होगा, है ना। जैसे हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, आप लोग शहर में कभी कभी न्यूज पढ़ते होंगे, आवारा पशु घूमते पाए गए, सुनते हो? पशु कभी आवारा होता है? पशु तो जंगल में था, आपको दूध चाहिए था, आप पाल लिया है, घर में पाल लिया। जब तक दूध देता है घर में बांध कर रखते हो, जब दूध नहीं देता पड़ोसों के लिए छोड़ देते हो। तो आदमी आवारा हुआ कि पशु आवारा हुआ? आदमी आवारा हुआ। क्या न्यूज बनना चाहिए? आवारा लोगों के पशु घूमते पाए गए। आप लोग भेजो। ऐसा बोलने से तुरंत ठीक हो जाएगा? हो जाएगा। सर हमेशा से सुनते आए हैं सच बोलो, सर क्यों सच बोले? हाँ और क्या, क्यों सच बोले? और सच बोलने से तो मारी पड़ी है, झूठी उल्टा पुल्टा हुआ है। तो हमको सच, वेरी गुड। तो देखिए, सदा सच बोलो, सदा सच बोलो। और सच क्या होता है ये समझ में आया नहीं, है ना। तो घटी हुई घटना को एज इट इज रिपीट करना, वो हमने सच कहा। ये बात समझ में आ रही?
घटी हुई घटना को एज इट इज रिपीट कर दो, ये सच है कि घटी घटना का रिपीटेशन है? रिपीटेशन है। सच क्या है मानव के बारे? सच क्या है कि मानव जीवन और शरीर का साथ साथ होना है। शरीर की आवश्यकता अलग है, देश की आवश्यकता अलग है, पूरा करने का तरीका अलग है, ऐसा मैं पूरा करके जीता हूं, ये सच है। ठीक है, तो घटी घटना का रिपीटेशन, घटी घटना का रिपीटेशन ही है, उसमें सच या झूठ नहीं है। ये सच या झूठ के झंझट में हम क्यों फंस गए? इस सच और झूठ के झंझट में हम क्यों फंस गए? सबका सच और झूठ अलग अलग है। जब स्वयं में विश्वास नहीं होता तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम उन गलतियों को रोकना चाहते हैं तो हम गलती किसी के सर ठीकरा फूटना चाहते हैं कि तुमने गलती किया, ये पकड़ने के लिए, गलती पकड़ने के लिए सच और झूठ का सहारा है। तो गलती पकड़ने के लिए सच और झूठ का सहारा नहीं होता, सही जीने के लिए सच की, सही की आवश्यकता है। तो हम सही को नहीं समझ पाए तो गलतियां फिक्स करते रह गए, उससे भी क्या फर्क पड़ गया? क्या किया? गलती को गलती से रोकना, बच्चे ने ग्लास तोड़ा, आपने बच्चे का कान तोड़ दिया। ठीक, अब उसका ध्यान इस बात से हट गया कि ग्लास टूटा था, मुझसे गलती हुई है, इससे उसका ध्यान हट गया। मुझको अपमानित किया गया, मेरी माँ ऐसी है या मेरा टीचर ऐसा है, आपके प्रति हमेशा के लिए संबंध खत्म हो गया। देखिए, इन चीजों को बहुत मायनेटली देखने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था, छोटे बच्चे को जब आप मारते हो तो वो आपके आंचल से लिपटता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है थोड़ा रूठ के दिखाता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है थोड़ी सी आंख दिखाता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है आपका हाथ पकड़ लेता है और फिर उंगली दिखा के बात करता है, फालतू बात करने की जरूरत नहीं। क्या हो गया? ये एक दिन में उंगली खड़ी हुई है? नहीं हुई है ना? ये बिल्कुल सटीक है कि मानव के रूप में हम उसका सम्मान नहीं कर पाए। हम अपनी मान्यताओं को उसके ऊपर लादना चाहते हैं जिसको वो महत्वपूर्ण नहीं मान, हो सकता है वो ठीक होंगी पर उसको नहीं समझ में आ रहा कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें स्वयं में विश्वास है, हम कैसा जी रहे हैं? सामान से सम्मान, सुविधा से सुख, क्या फर्क पड़ता है कि हम पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं? ऐसे जी रहे? हमको जीना नहीं आया तो हम दूसरों को क्या सिखाएं? हमारा सारा उपदेश गलती से बचाने के लिए है और पढ़ के नंबर पाते नौकरी पा जाए इसके लिए। ये किसकी जरूरत पूरी हुई, जीवन की या शरीर की? हम खुद शरीर की पूर्ति तक जी रहे हैं, बच्चों को शरीर की पूर्ति तक जी रहे हैं और सुख उसको चाहिए निरंतर, कहां ढूंढेगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ढूंढेगा ना? फिर वो सब चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं ना? फिर शरीर कैसा दिखे और शकल कैसी दिखे है ना, और बाल कैसे दिखें, आईपॉड हो और कौन सी मोटरसाइकिल हो ना, फिर वो सब महत्वपूर्ण होगा ही, क्योंकि सुख तो चाहिए। और ये सुख जिस तरह से आएगा उस तरह से दुख ज्यादा हिस्से में आएंगे। सुख तो मिलना नहीं है, वो तो उतना ही है, क्षणिक, क्षणिक को कितना भी खींचो वो खींचता ही नहीं है, उतना ही रहता है। तो स्वयं में विश्वास में कमी को हम अपनी भी स्वयं में विश्वास में कमी को वस्तु से भर रहे हैं जो कि नहीं भरता है। इसको जब हम बच्चों को बताते हैं तो उनको समझ में तो आता है कि इसमें सार तो नहीं है, पर सार क्या है ये उसको भी पता नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हम उम्र में तुमसे बड़े हैं, ये बात उसको स्वीकार नहीं होती क्योंकि जीवन की उम्र नहीं होती। कंफ्लिक्ट क्या चीज का है? कंफ्लिक्ट ये है कि ना सही हमारे पास है और जो हमारे पास है उसको हम सही मानते हैं। सामने वाले को ये सही नहीं है ये तो पकड़ में आता है, सही क्या है ये पकड़ में आता नहीं। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर्स और पेरेंट्स के प्रति सम्मान घटा है कि बढ़ा है? घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनकी विश्लेषण करने की क्षमता तो बढ़ी है, वो गलती को तो पहचानना शुरू कर ही देते हैं। सही लेकिन नहीं पहचानते। सही ना आपके पास है ना उसके पास है, इसलिए नहीं मानते। क्योंकि उसके बाद यदि सही आपके पास भी नहीं है तो जैसे ही बच्चा इस बात को कंक्लूड करता है कि सही इनके पास भी नहीं है, तो जिसको वो सही मानता है, जिससे वो सुखी होता है, उसको मनमानी करना शुरू कर देता है।
मतलब ये जैसे हम अभी स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, मैं कहूँ लगभग 80% ऐसे होते हैं। सपोज मैं आज एक क्लास को पढ़ा रही हूँ, उस क्लास के बच्चे मुझे विश करते हैं, उसी क्लास को अगर मैं नेक्स्ट ईयर ना पढ़ाऊँ तो वो बच्चे आंखों में आंखें डाल के देख के जाते हैं पर कभी विश नहीं करते। पर ये हमने कभी नहीं किया। आज भी हम रस्ते में अगर अपने टीचर्स को मिलते हैं तो हम उनमें वही रिस्पेक्ट दिखाते, तो ये क्यों है? आप जो ये इस तरह का व्यवहार करते हो ये आपको किसी एजुकेशन से नहीं मिला था, ये आपको अपने माता पिता और परिवार की परंपरा से मिला था। ठीक है, तो हम लोगों को अपने माता पिता और जो परिवार की परंपरा और वातावरण से जो मिला उसमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए उम्र के आधार पर, ये हमको स्वीकृत था, इसलिए हम ऐसा करते आए। जैसे ही ये मॉडर्निटी की हवा और मीडिया और सारी चीजें सामने आई और मानव मानव में बराबरी की बात आई है ना, इन सारी चीजों के तले अब वो वाली चीजें गायब हो गई। अब गौ से गणेश नहीं पढ़ा सकते, गधा ही पढ़ाना है ना? तो जो कुछ अच्छी मान्यताएं ही थी, लेकिन अब वो मान्यताएं हमारे पास नहीं है, वो वाला भाग गायब हो गया। पैरेलल जो समझ वाला पार्ट था वो इंट्रोड्यूस हुआ नहीं, तो मान्यताएं चली गई, समझ आई नहीं। जैसे पशु को बाड़े से खोलते हैं वो कुदाल मार मार के दौड़ता है किधर भी, ऐसे ही पूरी पीढ़ी कूदती है मनमानी, जिसको जो समझ में आता है वो करता है ना। हम वहां पहुंच गए। मैं आपको दूसरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। NIT रायपुर में हमने जितने स्टूडेंट्स के साथ में शिविर किया, चाहे वो 4 साल पहले शिविर किया है, कॉलेज कैंपस में पैर छूने का प्रचलन नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में। NIT कैंपस में मैं एक कॉर्नर से भी दूसरे कॉर्नर तक निकल गया और प्रिंसिपल मेरे साथ चल रहे हैं, कम से कम 15 लड़के मिलेंगे जो कैंपस में पैर छुए। तो ये समझ में आया कि जिस कैंपस में जिस तरह की स्वीकृतियां नहीं है उस कैंपस में भी वो वैसा करने के लिए, जबकि हमारे बीच में कोई पैर छूने की परंपरा नहीं है, लेकिन जब अंदर से सम्मान आता है वो ऐसा नेचुरली करते हैं। प्रिंसिपल बाजू में जाएगा उसको नहीं देखेंगे, बाजू में चल रहा है ना उसको नहीं देख रहे। अब उनको शिविर किए 4 साल 5 साल 6 साल हो गए, वो कहीं गई है, वो कहीं भी मिल जाए वो उसी भाव के साथ प्रस्तुत होता है जो उसको उस समय शिविर में था लगभग लगभग। इससे ये समझ में आया कि आदमी में ये भाव पैदा करने वाली भाव कहां पैदा होता है, शरीर में के जीवन में? जीवन में। हम स्कूल में शरीर के बारे पढ़ा रहे कि जीवन के बारे? वो आए कहां से वो भाव? तो जो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं वो जो आपको सम्मान कर रहे हैं वो आपका सम्मान नहीं कर रहे। उस समय जब आपको वो टीचर है टीचर के रूप में, बाय द वे आप अच्छा पढ़ाती होंगी तो इसलिए सम्मान है, नहीं तो एज ए टीचर आपसे भयभीत होते हैं इसलिए थोड़ा सा आपको विश कर देते हैं ना? वही बात आप फैमिली में ले आएगी। जब तक माँ बाप और बच्चों के बीच में पैसे का रिश्ता बना हुआ है वो थोड़ा सा कुछ बीच में आदान प्रदान हो रहा है, वो खत्म होते ही वो वहां भी खत्म हो गया, और धीरे धीरे उम्र के साथ साथ ये वैसे भी खत्म हुआ है। तो क्योंकि जीवन की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, जीवन की आवश्यकता पूरी होती है वो भरता है तो कुछ छलकता है, ये जो छलकता है इसका नाम सम्मान है। भय भी न हो न प्रीत, अभी तक तो हम यही बोलते आए हैं, मैं आपको भयभीत करूं आप प्रीत करते हैं कि ईर्ष्या करते हैं? भय से प्रीत होता है कि समझ से प्रीत होता है? उल्टा पुल्टा हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके आधार नहीं है हम उस तरह से उनको चलाते अभी तक आए हैं, क्योंकि मानव का अध्ययन नहीं हुआ। इसलिए कहा कि मानव का अध्ययन ही शिक्षा का मानवीयकरण है। अभी क्या हो गया, शिक्षा का बाजारीकरण, व्यापार तो पहले से ही बाजार था है ना, न्याय का बाजारीकरण, राजनीति का बाजारीकरण, परिवार का बाजारीकरण, संबंधों का बाजारीकरण, अब तो सब जगह किसको कितना गिफ्ट देना है ना, शादियां भी अभी बाजार हो गई है ना, बाप देखता है कि किससे बिजनेस रिलेशन बनेगा, बिजनेस रिलेशन बनाने के हिसाब से शादियां होती हैं, बच्चों की शादियां थोड़ी हो रही, बिजनेस हो रहे हैं, तो सब कुछ हमारे लिए बाजार हो गया है। क्या सूत्र है इसके पीछे? भाव पक्ष का अमूल्यन होता है तो भौतिक पक्ष डोमिनेट करने लगता है। समझ वाले पार्ट पे हम कहा हमारा काम, हमारी परंपरा में अच्छी मान्यताओं मिली उसके सारे कुछ वातावरण बना हुआ था, इस शिक्षा में वो वातावरण साफ हो गया, समझ कुछ है नहीं। देखिए यदि हम बहुत पीछे में जाएंगे
तो जितनी हमारे ऋषिकुल या गुरुकुल की जो परंपराएं थी उसमें ज्ञान का, शिक्षा का मतलब ज्ञान था, जीवन जीने का ज्ञान था, ये स्किल को कोई शिक्षा मानता ही नहीं था। स्किल शिक्षा की चीज थी नहीं, स्किल तो आप कहीं भी रहते रहते किसके साथ आदमी सीखता था, तो स्किल के लिए शिक्षा थी ही नहीं। शिक्षा बेसिकली ज्ञान वाले भाग के लिए थी, समझ वाले भाग के लिए थी, है ना, फिलोसॉफिकल बेस था उसके पीछे। जैसे जैसे ये मॉडर्न प्रोडक्शन शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, हमको मास लेवल पे मजदूर और कारीगर चाहिए थे, वहां से ये शिक्षा शुरू हुई। तो मॉडर्न एजुकेशन का जो बेस है, माँ बाप स्कूल में अपने बच्चों को पाल नहीं सकते थे इसलिए उनको कहीं रखना था, और उनको मास लेवल पे प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए थे इसलिए मास प्रोडक्शन के लिए टेक्निकल लोग चाहिए थे इसलिए शिक्षा का बात हुई, क्लर्क चाहिए थे इसलिए शिक्षा की बात हुई। तो शिक्षा का बेस ही कहीं और है, ये मानव के लिए है भी, इसलिए अब क्या आवश्यकता है, तो मानव का अध्ययन ही शिक्षा का मानवीकरण है। तो मानव के अध्ययन के बिना सारी शिक्षा बेकार, बंदर के हाथ में उस तरह। यहां हम पहुंच गए। और दूसरी बात, बच्चे यदि, बच्चे या कोई भी यदि वो किसी का सम्मान नहीं कर पा रहा है तो उन क्षणों में वो दुख के साथ है ना? तो स्वयं में सम्मान के भाव की निरंतरता स्वयं के लिए और अपने पूरे वातावरण के लिए, ये मेरे सुख पूर्वक जीने के लिए मेरी आवश्यकता है। तो किसी का अपमान करके हम सुखी हो जाते हैं क्या? तो किसी का अपमान करना हमारे अंदर की भड़ास। यदि बच्चों तक ये मैसेज ठीक से पहुंचता है कि यदि तुम टीचर्स का सम्मान नहीं कर पा रहे हो तो तुम भी दुख पूर्वक जी रहे हो, और अपने दुख की अभिव्यक्ति चौक मारने के रूप में, डस्टर मारने के रूप में, कुछ और उल्टा सीधा बोलने के रूप में, कमेंट्स कसने के रूप में कर रहे हो, इससे हम भी कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, अपनी फुहड़ता को व्यक्त कर रहे हैं। टीचर को यदि पढ़ाना नहीं आता है तो हम ठीक से बैठ के प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं कि हमको ये टीचर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा समय तो लग रहा है एक घंटे का, यदि उसे एक घंटे में हमको क्वालिटेटिवली कुछ नहीं मिल रहा है तो हमारे समय का सम्मान होना चाहिए, इसलिए हम सामूहिक रूप से तय कर सकते हैं कि हमारा टीचर बदला जाए। लेकिन बच्चों के साथ घर में कैसे क्लियर बात करेंगे सर, इस बात को कैसे घर में क्लियर कैसे होगी? स्कूल में तो चलिए अपन टीचर हटा दिए, माँ बाप नहीं हटा, माँ बाप को भी हटाए दिए बच्चे, आप पैसा देने के सिवा कोई भूमिका बची नहीं है, हो गई है, खाली बच्चे भी नहीं थे और भी फैमिली में, हाँ तो सब हट ही गए हैं एक दूसरे से। देखो बात एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं कि जीते हैं, रहते हैं, वो तो कह रहा हूँ ठीक से साथ ही है। हाँ तो सच्चाई तो यही है कि समझदारी की आवश्यकता टीचर और माँ बाप को पहले है, हमको समझदार होने की आवश्यकता पहले है, बच्चे तो हमारे साथ साथ हो ही जाए। और देखिए मैं अभी ये भी कहना चाहता हूं, अब वो लाइन खत्म हो गई कि माँ बाप बच्चों को संस्कार देते हैं। अब एक माँ बाप कितना भी अच्छा सही, वो अपने बच्चे को संस्कार दे पाएगा ऐसा आसान नहीं है, क्योंकि वातावरण जैसा हो गया है और वातावरण से वो जिस तरह से प्रभावित होता है तो चीजें इतनी इजी, पहले क्या एक्सपोजर बहुत कम था तो पूरा संस्कार खुल गया है। अब यह हो सकता है कि माँ बाप सामूहिक रूप से मिलकर ऐसा वातावरण पैदा करें कि उस वातावरण में बच्चे, जैसे मान लिया ये कुछ लोगों ने मिलकर वातावरण पैदा किया, इसको एक माँ बाप पैदा कर सकता है क्या? नहीं, कुछ 10-20 परिवार हैं जिन्होंने मिलकर आपके बच्चों के लिए ये वातावरण पैदा किया, चलो हम मिलकर कुछ करें, ये प्रयास सफल हो सकते हैं। एक माँ बाप चाहे, मैं ही चाहूं कि मेरे बच्चों को समझा लूंगा सब कुछ, इतना आसान नहीं, क्योंकि बच्चा बाहर से प्रभावित होता है। ठीक हो गया, क्या पकड़ में आया? कि सच पकड़ में नहीं आया, सच पकड़ में नहीं आया, इसलिए सदा सच बोलो, सबसे बड़ा झूठ हो गया। क्या बोलना है, वही पकड़ में नहीं आया। इस तरह की जब बहुत सारी चीजों को देखोगे तो आप उसमें हर चीज में देखो कि कंटेंट क्या है, सच किसको कहा जा रहा है ना? तो हर जगह में ऐसे, तो हमारे सोच का प्रोसेस, हमारे सोच की प्रक्रिया शुरू हो, हर जगह में हम जीने से उसको जोड़ सकें, जीने में अधूरेपन को देख सकें और वास्तविकता को भी देख सकें, तो ये लगातार प्रोसेस है। शिविर मात्र उसकी शुरुआत है, शिविर समझदारी का KG-1 है, रजिस्ट्रेशन है। ठीक,
इसके बाद फिर आगे की सारी क्लासेस हैं। इस बात को पूरा समझने के लिए जो टीचर्स के रूप में तैयार हो रहे हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट या समाज के कुछ लोग, उनके लिए वन ईयर का पूरा एक अध्ययन का कोर्स चलता है अभ्युदय संस्थान अछोटी मुरमुंदा रोड पे कुमारी के आगे। जो लोग उसको पूरा समझना चाहते हैं ताकि वो हमारे समझ में भी आए, जीने में भी आए, तो उसके लिए पूरा एक वन ईयर कोर्स है, उसके आधार पर फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो शिविर मात्र एक इंट्रोडक्शन है, सब चीजों को समझा जा सकता है, जिया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बाय एजुकेशन हो सकता है।